नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजीव। आप देख रहे हैं पॉलिटिक किंगडम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉकरेल फार्मिंग के बारे में। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो कॉकरेल फार्मिंग के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। कॉकरेल फार्मिंग के जो चिक्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ही कम कॉस्ट में उपलब्ध हो जाते हैं हमारे, के 4-5 रुपये में उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हर कोई भी मौसम में, इनका कोई रेट ऐसा नहीं होता, हर मौसम में मिल जाते हैं। इनका मार्केटिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये कैसे लाभदायक है, कैसे स्टार्ट करें, तो हम आए हुए हैं एक फार्मर के यहाँ जो कि गिरिडीह में है। गिरिडीह में बस स्टैंड के पास इनका फार्मिंग है। ये हमारे से चिक्स लिए हुए थे, तो हम इधर ही आए थे, तो इधर ही आ रहे थे, तो इनसे मिलने के लिए अभी आ गए। देखिए, ये बैकेड पोल्ट्री शुरू किए हैं, छत पे, दो तल्ला पे है, देखिए। तो आप भी अगर कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग की स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में करें। ये पहले 200 से ट्राई किए थे, अभी इनके पास 1000 चिक्स हैं। तो कॉकरेल, ये जो आपको इसमें वाइट में थोड़ा सा कलर दिख रहा है ना, इस पर इन्होंने सोनाली चिक्स मिक्स कर दिए हैं, सोनाली चिक्स मिक्स कर दिए हैं। ये अभी बर्ड लगभग 1 वीक के हैं और देखिए कितना शानदार ग्रोथ है इनका। तो मैं बता रहा था, कोई भी फार्मिंग आप करना चाहते हो, सोनाली फार्मिंग, कॉकरेल फार्मिंग, टर्की फार्मिंग, तो आप पहले कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, उनका मार्केट समझ लें, मार्केट देख लें, फिर धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाएं। जो कॉकरेल होती है ना, ये सब मेल होते हैं, इनको कंपनी से स्लॉट किया हुआ आता है, फीमेल को अलग और मेल को अलग कर देते हैं, इसीलिए इनका चिक्स का कॉस्ट इतना कम होता है। तो इनको केयर करने वाली ये बात है कि पहले तो इनको वन वीक इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी ब्रूडिंग की ज़रूरत है। आपको 35-36 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा और इनको फीड में सबसे पहले तो आप कभी भी इनको बॉयलर फीड ना दें। बहुत भाइयों क्या करते हैं कि इनको बॉयलर फीड दे देते हैं तो इनका ग्रोथ वैसा नहीं हो पाता, फूला फूला दिखते हैं, इनका फूल का साइज भी ठीक से होता नहीं है, इनका फूल रेड रेड किस्म का होता है तो वो भी नहीं आता। तब सबसे पहले इनका स्टार्ट कीजिए, सब अगर डे ओल्ड लेके आए तो इनको फर्स्ट डे पहले आप इनको स्टार्टर फीड दें, फ्री स्टार्ट नहीं, स्टार्टर फीड दें बॉयलर के, फिर आप उसके बाद शिफ्ट कर सकते हैं चिक्स स्टार्टर पे, उसके बाद फिर ग्रोवर पे, और लास्ट तक आपका ग्रोवर चलवाना है आपको। और उस दौरान आपको मेडिसिन की इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि वैक्सीन टाइम पे टाइम हो और लीवर टॉनिक, जब फीड चेंज करते हो तो लीवर टॉनिक भी देना बहुत ज़रूरी है। तो जानिए इनका फीडिंग कॉस्ट क्या आते हैं। फीडिंग कॉस्ट 2.5 से 3 किलो खा के ये 1 kg बॉडी वेट पकड़ लेता है, और एक बर्ड रेडी करने में हमको 70-75 रुपीज कॉस्ट आता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 70-75 इनका कॉस्ट आता है रेडी करने में विथ मेडिसिन। और इनका होलसेल मार्केट रेट 140-150, ये वैरी करता है कि कौन सा स्टेट पे आप हैं, हर जगह का अलग अलग रेट है। हमारे यहाँ इसका 140-150 रुपये आराम से मिल जाता है। तो ये बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। और इनका रिटेल प्राइस तो 350-350 रहता है। ये सब मेल रहते हैं, इसमें फीमेल बहुत ना के बराबर होते हैं, 1-2 अगर बाय द वे आ गए तो ठीक है, वरना सब मेल होता है ये। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इनके जब इनका थर्ड वैक्सीन होता है ना, तो इनको एक बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ता है कि इनका आप डेबैकिंग कर दें।
डेबेंगिंग कर दें, क्योंकि ये अगर डे बाय सब मेल होते हैं, ये सब मेल होते हैं, सब मेल होते हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करते हैं। तो इनके जब ये तो अभी 1 वीक के हैं, जब ये 20 दिन के हो जाएंगे, 21 दिन के हो जाएंगे, जब थर्ड वैक्सीन हुआ जाएगा, तब इनको चोंच को डेबेकिंग कर देते हैं। डेबेकिंग की वीडियो में जब डेबेकिंग होगा तो आपको मैं वीडियो उसका प्रोवाइड करवाऊंगा कि डेबेकिंग कैसे होता है। तो इनका डेबेकिंग, क्योंकि ये सब मेल होते हैं तो ये आपस में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, और वाइट होने के कारण जब ये नोच फैदर इनका जब उड़ता है तो दिखता है, तो उसकी वजह से मार्केट में इनका रेट वैसा नहीं मिल पाता, और बहुत भाई इसी के कारण कंफ्यूज रहते हैं कि रेट नहीं मिलता ऐसा वगैरह वगैरह। तो भैया रेट आपको तभी मिलेगा जब आप उनको ठीक से पालन करें, नियम सबका जानना पड़ता है। तो रेट इनका कोई दिक्कत नहीं आता। अगर किन्हीं भाइयों को हमारे से जुड़ के काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, सब माल हम लोग उठवा लेते हैं। और अगर सम डेबेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी वाला चीज़ है कि आपको इनको 20 दिन में डेबेकिंग कर दीजिए, ताकि ये आपस में लड़े नहीं और इनका फैदर ख़राब ना हो। और इनका वाटर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, देखिए ये पानी बहुत ज़्यादा करते हैं, पीते हैं, और इनको टाइम टू टाइम फीड दे, हर समय फीड ना दे, टाइम टू टाइम फीड दे, 3 टाइम फीड दे इनको। और फीडिंग कॉस्ट जान रही, बॉयलर फीड ना दे इनको, कि बॉयलर फीड कॉस्टली आता है, तो इनका कॉस्ट भी ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इनकी मार्केटिंग में आप पहले इनकी भी मार्केटिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अगर कहीं से भी बच्चे उठवाते हैं तो हम कॉकरेल की आपको, हमारी टीम आपका बिकवाने में बहुत ही हेल्प करेंगे, बिकने में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हम जानेंगे कि इनको ब्रूडिंग कितने दिन तक करें। ब्रूडिंग इनका चलता है लगभग 2 वीक्स तक, इनको ब्रूडिंग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 वीक तक ब्रूडिंग रखें। और अगर आप बैकयार्ड पोल्ट्री छत पे करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट के भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए प्रॉपर एग्जॉस्ट रहना चाहिए, नहीं तो रूम में बहुत ही ज़्यादा अमोनिया बन जाते हैं, उसका भी ध्यान रखें। और लीटर को आपको ध्यान रखना है कि लीटर गीला ना हो, और लीटर को आप चेंज ना करें, उस पर ही वापस आप लीटर डाल सकते हो, उसी डाल दें इसमें, ताकि ये लीटर गीले होंगे तो इनको ज़्यादा बीमारी होते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा ही बीमारी होने का, इन पे बहुत ज़्यादा ही जल्दी बीमारी आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर हो जाता है, CRD आ गया, तो इन पर बहुत ज़्यादा ही जल्दी स्प्रेड करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन, और आपको देखते रहना है हल्का सा भी, अगर लीटर वूटर सब सही रहे तो। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करें या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी दिए जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।